लाइक ओके ओके गुड आफ्टरनून अनुप्रिया जी, गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है सभी को? बताइए, आ गए सभी लोग? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रेनू, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून जिगिशा, गुड आफ्टरनून। ओके ओके, थैंक यू मोहम्मद सारिक। ओके, वॉइस क्लियर है? गुड आफ्टरनून आशना, हेलो महराज। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस के बारे में, मेटामॉर्फोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके, हेलो झंकार, आ गए सभी लोग? हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिया, गुड आफ्टरनून झंकार। तो हम लोग मेटामॉर्फोसिस को आज डिस्कस करते हैं। मेटामॉर्फोसिस, वैसे तो इससे क्वेश्चन सीएसआईआर में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सीएसआईआर कब बहुत रेयरली क्वेश्चन पिक करता है, जैसे टेराटोजेनेसिस से क्वेश्चन कभी कभी नहीं आए थे, कभी भी नहीं आए थे, लेकिन 2019 में पूछे गए थे, और फिर उसके बाद डेवलपमेंटल डिजीजेस से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, भले ही रेयरली पूछा जाने वाला टॉपिक है, लेकिन गुड आफ्टरनून दीपांजलि, लेकिन हम इसे स्किप नहीं करेंगे। तो आज हम लोग मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मेटामॉर्फोसिस में एम्फीबियन, हमारे कोर्स में दो टाइप के दो मेटामॉर्फोसिस हैं, एक एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस है, दूसरी हम लोग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी पढ़ेंगे। इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस एम्फीबिया में कैसे होती है और इंसेक्ट में किस तरीके से मेटामॉर्फोसिस होती है, तो आज एम्फीबिया में डिस्कस करेंगे कैसे, कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं और कौन किस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल होता है, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मेटामॉर्फोसिस की अगर हम लोग बात करें तो सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। नो वॉइस, वॉइस क्लियर नहीं है? गुड आफ्टरनून रजत, वॉइस क्लियर नहीं है? ओके, वॉइस तो क्लियर है आई सपोज, वॉइस तो क्लियर है। गुड इवनिंग दिवाली, वॉइस तो क्लियर है ना? बताइए, वॉइस में प्रॉब्लम है? ओके, क्लियर है प्रिया दुबे, वॉइस क्लियर है। चलो, तो मेटामॉर्फोसिस के बारे में सभी ने सुन रखा होगा कि इसमें क्या होता है, लार्वल टू एडल्ट ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? लार्वल टू एडल्ट ट्रांजिशन सभी ने पढ़ा होगा, इतना तो मेटामॉर्फोसिस के बारे में सभी को पता होता है। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो एनिमल्स में भी, अगर डेवलपमेंटल के बेसिस पे देखें तो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट डेवलपर्स, कुछ स्पीसीज जो आती हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपर्स की कैटेगरी में आती हैं, और कुछ डायरेक्ट डेवलपर्स की कैटेगरी में आती हैं। डायरेक्ट डेवलपर्स, तो डायरेक्ट डेवलपर्स में वो एनिमल स्पीसीज आती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें डायरेक्टली एक छोटा एनिमल बॉर्न होता है और फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होता जाता है, डेवलपमेंट के प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाता है, और उसके बाद वो क्या होता है, उसके बाद वो सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद वो रिप्रोडक्शन करने लगता है। ये डायरेक्ट डेवलपर्स में आती है। इनडायरेक्ट डेवलपर्स के केस में वो एनिमल आते हैं जिनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें दो स्टेजेस होती है। पहली स्टेज लार्वल स्टेज होती है, लार्वल, और सेकेंड जो होती है वो एडल्ट स्टेज होती है। तो ये ऐसे स्टेजेस, ऐसे एनिमल स्पीसीज जो इनडायरेक्ट डेवलपर्स के केस में आती हैं, तो ऐसी आती हैं जो लार्वल टू एडल्ट, मतलब जो भी इनडायरेक्ट डेवलपर्स में जो भी स्पीसीज आएंगी उन दो स्टेजेस होती हैं, लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज। लार्वल स्टेज एडल्ट। दीपिका गोयल, आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और वहां पर आपको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको
मिल जाएगी, क्योंकि अभी अभी ये क्लास का टाइम है, ठीक है, अभी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं। तो आप को जो भी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे दिए हुए जो नंबर लिख के आ रहा है उस पर कॉल करिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके चल, तो हाँ, इनडायरेक्ट डेवलपर्स के केस में लार्वल टू लार्वल और एडल्ट स्टेजेस होती है, और जाहिर सी बात है जिनमें दो स्टेजेस होंगी उन्हीं में मेटामॉर्फोसिस होगी, उन्हीं ऐसे ही केसेस में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है। तो अच्छा, क्या लिखा हुआ है, मेटामॉर्फोसिस इज बोथ अ डेवलपमेंटल एंड एन इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। डेवलपमेंटल ट्रांजिशन क्या, डेवलपमेंटल ट्रांजिशन क्या, कि जब लार्वल स्टेज में एनिमल होता है, जब लार्वल स्टेज में होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ग्रोथ होती है और डिस्पर्सल होता है, ग्रोथ एंड डिस्पर्सल। लेकिन अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट किसके लिए, एडल्ट स्टेज जो होती है वो मेनली फॉर रिप्रोडक्शन, किसके लिए होती है, रिप्रोडक्शन के लिए। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन क्यों बोला गया, क्योंकि कोई भी एनिमल जब लार्वल स्टेज पर रहता है तब उसके फूड हैबिटेट और जो उसका बिहेवियर होता है वो अलग होता है और एडल्ट स्टेज में अलग होता है। जैसे अभी हम एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस अगर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, एम्फीबियन के केस में क्या होता है, लार्वल स्टेज जो होती है, जो टैडपोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, एक्वाटिक होता है। लेकिन जब यही टैडपोल मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका जो हैबिटेट होता है अब वो कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल हो जाता है। इसी तरीके से फूड में भी चेंज हो जाता है, क्योंकि टैडपोल्स नॉर्मली कैसे होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग्स होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। फिर बिहेवियर में भी चेंज हो जाता है इस तरीके से, मतलब जो टैडपोल्स के केस में क्या होता है, ये नॉर्मली कैसे होते हैं, हर्बीवर्स होते हैं, हाँ, और ये कैसे होते हैं, कार्निवर्स होते हैं। तो इस तरीके के कई सारी चेंजेस आ जाते हैं इकोलॉजिकल बेसिस पे, इसलिए माना जाता है कि मेटामॉर्फोसिस में डेवलपमेंटल ट्रांजिशन के साथ साथ क्या होता है, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन भी होता है, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन भी होता है। हाँ बिल्कुल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब फूड चेंज, फूड चेंज। तो अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, देखिए, process is initiated by specific hormones that reactivate developmental processes throughout the entire organism, changing it morphologically, physiologically and behaviorally to prepare itself for a new mode of existence, new mode of existence। तो इस तरीके से क्या होता है, metamorphosis होती है। तो हम लोग अब amphibian metamorphosis के बारे में बात करेंगे, amphibian metamorphosis के बारे में। एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस के केस में क्या होता है, हाँ, गुड आफ्टरनून दिव्या, एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस के केस में क्या होता है, कई सारे चेंजेस होते हैं लार्वा में भी, लार्वा में और एडल्ट में। जब भी मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन होती है तो लार्वा से बिल्कुल अलग कंडीशंस दिखने को मिलती है, किसमें, एडल्ट में। तो ये सारी चीजें तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनिमल कैसा होता है, किस तरीके से पहले एक्वाटिक होता है लार्वल कंडीशन में, फिर एडल्ट में क्या हो जाता है, टेरेस्ट्रियल हो जाता है, लार्वल कंडीशन में टैडपोल्स जो होते हैं वह मोनोटैलिक होते हैं और एडल्ट कैसे होते हैं, यूरोटैलिक होते हैं। अब ये जितने भी चेंजेस हैं ये इनको इनिशिएट कौन करता है, मेटामॉर्फोसिस के दौरान इन चेंजेस को इनिशिएट करने का काम कौन करता है, इन चेंजेस को इनिशिएट करने का काम करते हैं कौन, थायराइड हार्मोन्स, कौन करता है, थायराइड हार्मोन्स T4 एंड T3, थायरोक्सिन एंड ट्राईआयडोथायरोनिन, थायरोक्सिन एंड ट्राईआयडोथायरोनिन दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड टू रीच ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द लार्वा। व्हेन द लार्वल ऑर्गन्स एनकाउंटर दीज थायराइड हार्मोन्स दे कैन रिस्पॉन्ड इन एनी ऑफ फोर वेज। अब जब थायराइड हार्मोन्स बनने लगते हैं, जब इनकी सिंथेसिस होने लगती है तो वो किस तरीके से लार्वल स्ट्रक्चर पर अपना इफेक्ट शो करते हैं, पहला इफेक्ट जो होता है दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ से क्या मतलब हुआ, जब भी T3 हार्मोन की सिंथेसिस इनिशिएट होती है उस केस में क्या होता है, जितने भी एडल्ट स्ट्रक्चर हैं, अगर हम लिम्ब और टेल के केस में बात करें तो टैडपोल्स के पास क्या होती है, लोकोमोशन के लिए टेल प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे ही थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो क्या
पत्ता बनना शुरू हो जाते हैं, लिम्ब का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान जितने भी एडल्ट स्ट्रक्चर हैं वो बनते पहले हैं, पहले बनते हैं, देन उसके बाद जो लार्वल स्ट्रक्चर होते हैं उनका लॉस होता है। तो ग्रोथ पहले होती है, उसके बाद इफेक्ट होता है वो ग्रोथ का होता है, देन उसके बाद क्या होती है, सेल डेथ होती है। तो पहला जो इफेक्ट होता है वो यही होता है कि T3, जब T3 हॉर्मोन्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T3 क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, यानी कि एडल्ट स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवाते हैं। यहां दिख रहा है कि पहले क्या बन रहे हैं, लिम्ब बन रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये जो टेल है ये क्या हो रही है, ये रिजॉल्व हो रही है। किस तरीके से रिजॉल्व हो रही है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है, ग्रोथ होती है। सेकेंड इफेक्ट क्या होता है, सेल डेथ होता है। भाई अब एडल्ट स्ट्रक्चर बन गए, अब उसके बाद क्या होना है, उसके बाद जितने भी लार्वल स्ट्रक्चर है उनका क्या होना है, उनका उनका आई विल ट्राई ऑन दिस कॉन्टेक्ट नंबर। तो क्या हुआ दीपिका, क्या हुआ, कॉपिक नहीं हुई क्या? ओके चलिए ठीक है, ओके यस, टेल रिमूव बाय द अपोप्टोसिस। देखिए क्या लिखा हुआ, द हार्मोन T3 ऑल्सो इंड्यूसेस सर्टेन लार्वल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स टू डाई। T3 causes a degeneration of the paddle-like tail and the oxygen-procuring gills that were important for the larval movement and respiration. ये बात कैसे पता चली कि ये सेल डेथ का काम भी T3 करवाते हैं? उसके लिए when the tadpole muscle cells were injected with a dominant negative T3 receptor. डोमिनेंट नेगेटिव T3 रिसेप्टर्स का क्या मतलब हुआ कि वो T3 रिसेप्टर्स जो थायराइड हार्मोन की बाइंडिंग को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे and therefore could not respond to T3, the muscle cells survived, indicating that the T3 told them to kill themselves by the apoptosis. यानी कि वो muscle cells क्या होने लगे, जब T3 का जो receptors थे वो negative हो गए, उनमें उनका loss of function हो गया, तो उस case में उन्होंने T3 की binding को respond नहीं किया। तो जिन भी larval specific structure में वो receptors present थे जो कि dominant negative थे, वहाँ पर T3 का effect show नहीं हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से वो स्ट्रक्चर, वो लार्वल मसल सेल्स क्या हो गई, वो सर्वाइव करती रह गई, उनकी अपोप्टोसिस नहीं हुई। और इस अपोप्टोसिस पे कौन, जो मेन फैक्टर कौन होता है, दैट इज कैस्पेज 9। कैस्पेज 9 आप लोगों ने अपोप्टोसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िए, द डेथ ऑफ द टैडपोल मसल सेल्स इज प्रिवेंटेड बाय द ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ अपोप्टोसिस इंड्यूसिंग एंजाइम दैट इज कैस्पेज 9। तो अगर कैस्पेज 9 को इनहिबिट कर दो तो उस केस में क्या होगा, अपोप्टोसिस नहीं होगी, क्योंकि कैस्पेज 9 कैसी होती है, इफेक्टर प्रोटीन होती है। कैसी होती है, इफेक्टर प्रोटीन होती है। ये देखिए, ये है कैस्पेज 9, दैट इज अ इनिशिएटर प्रोटीन, नॉट इफेक्टर प्रोटीन। कैस्पेज 9 इज अ इनिशिएटर, this protein activates the effector protein that is caspase 3 and 7. तो जबी भी apoptosis, जिन भी cells में apoptosis होनी होगी, तो क्या होगा, apoptotic stimuli के response में कौन activate होंगे, BID और BIM activate होंगे, और ये BID और BIM किसको inhibit कर देंगे, BCL2 को, that is a anti-apoptotic protein, और BCL2 किसको inhibit करके रखता है normal condition में, in absence of apoptotic stimuli, BACS and BAG को। तो बैक से बैक कैसे होते हैं, प्रो अपोप्टोटिक जीन्स होते हैं। तो जैसे ही अपोप्टोटिक स्टिमुलाई आता है, बिड और बिम क्या करते हैं, BCL2 को इनहिबिट कर देते हैं, तो बैक एंड बैक एक्टिवेट हो जाते हैं, और साइटोक्रोम सी के साथ एपोफ1 को एक्टिवेट करते हैं। दिस एपोफ1 एक्टिवेट कैस्पेज 9, दैट इज इनिशिएटर प्रोटीन, विच एक्टिवेट कैस्पेज 3 एंड 7। कैस्पेज 3 और 7 कैसी होती है, इफेक्टर प्रोटीन होती है, एंड दिस कैस्पेज 3 एंड 7 क्या करवाती हैं, अपोप्टोसिस करवाती हैं। तो कैस्पेज 9 जो होती है, अगर हम उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर दें, तो उस केस में क्या होगा, अगर इनिशिएटर प्रोटीन अपोप्टोसिस को इनिशिएट करने वाली ही प्रोटीन इनहिबिट हो गई, तो उस केस में इफेक्टर प्रोटीन्स एक्टिवेट नहीं होगी और अपोप्टोसिस नहीं होगी, मतलब जो लार्वल स्ट्रक्चर है वो भी क्या होते रहेंगे, सर्वाइव करते रहेंगे। डन। तो ये दूसरा इफेक्ट होता है, पहला इफेक्ट क्या था, ग्रोथ, दूसरा इफेक्ट प्रोग्राम सेल डेथ।
तीसरा इफेक्ट क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनकी रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग का मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो लार्वल ऑर्गन्स हैं जिनकी सेल्स अपोप्टोसिस में जा रही हैं, उनकी कुछ फंक्शनल सेल्स रीमॉडल्ड होकर उसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही हैं। एम्फीबिया के केस में ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। कहाँ? इंटेस्टाइन में। लार्वल इंटेस्टाइन के केस में क्या होता है, विद इट्स न्यूमरस क्वाइल्स फॉर डाइजेस्टिंग प्लांट मटेरियल। क्यों? क्योंकि लार्वा स्टेज जो टैटबोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू अ शॉर्टर इंटेस्टाइन फॉर अ कार्निवोरस डाइट। कैसे कन्वर्ट होते हैं, जो भी सेल्स, जो भी फंक्शनल सेल्स होती हैं लार्वल इंटेस्टाइन की, वो डी डिफरेंशिएट होती हैं, और डी डिफरेंशिएट होने के बाद जैसे हम लोग रीजनरेशन में पढ़ते हैं ना, एपिमॉर्फिक रीजनरेशन में जो सेल्स एग्जिस्ट करती हुई, जो वुडन पार्ट की सेल्स होती हैं, वो डी डिफरेंशिएशन में जाती हैं और फिर से रीडिफरेंशिएट करती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल सेल्स बची हुई लार्वल स्टेज की जो सेल्स होंगी, लार्वल इंटेस्टाइन की जो सेल्स होंगी, फंक्शनल सेल्स होंगी, वो किस में जाएंगी, डी डिफरेंशिएशन में जाएंगी। डी डिफरेंशिएशन में जाने के बाद ये क्या करेंगी, इंटेस्टाइन स्टेम सेल का फॉर्मेशन करेंगी, और उसके बाद ये क्या हो जाएंगी, फिर से रीडिफरेंशिएट हो जाएंगी, और एडल्ट के लिए क्या हो जाएगा, उन्हीं सेल से एडल्ट के लिए शॉर्ट इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज स्पेसिफिक फॉर द कार्निवोरस डाइट। क्योंकि एडल्ट स्टेज में एनिमल कैसा हो जाता है, कार्निवोरस हो जाता है। क्या लिखा हुआ, देखिए, द न्यू सेल्स ऑफ द एडल्ट इंटेस्टाइन आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंक्शनिंग सेल्स ऑफ द लार्वल इंटेस्टाइन, दोज दैट सर्वाइव अपीयर टू डी डिफरेंशिएट एंड बिकम इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स। और यही इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स रीडिफरेंशिएट होकर क्या करती हैं, एडल्ट इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करती हैं। यस, डी डिफरेंशिएशन का मतलब अपनी डिफरेंशिएट, बिल्कुल बता रहे हैं, ओके क्या प्रॉब्लम है, ओके कोई बात नहीं प्रिया, कोई बात नहीं, डोंट बी सॉरी, ओके चलिए। तो अगर डी डिफरेंशिएशन किसने पूछा है, डी डिफरेंशिएशन का मतलब, डी डिफरेंशिएशन मीन्स सुहास, हाँ सुहास पवार जी, देखिए डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब आप लोग तो समझते होंगे क्योंकि हमने पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर लिया था उसमें हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। तो डिफरेंशिएशन का मतलब कोई भी सेल अपने फाइनल फेट को जब अचीव कर लेती है, मतलब फंक्शनली और स्ट्रक्चरली क्या हो जाती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है। भाई कोई भी सेल्स कहाँ जाती है, सबसे पहले किस में जाती है, कमिटमेंट की पहली स्टेज में, स्पेसिफिकेशन में जाती है, देन उसके बाद डिटर्मिनेशन में जाती है और सबसे लास्ट में जब सेल क्या हो जाती है, जब स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस होने लगते हैं तो सेल किस में जाती है, डिफरेंशिएशन में जाती है। किस में जाती है, डिफरेंशिएशन में, मतलब अब सेल फाइनल फेट को अचीव कर लेती है और सेल कैसी हो जाती है, फंक्शनली और स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज्ड हो जाती है। मेरा पहला लेक्चर उठा के देखिएगा डिफरेंशिएशन का मतलब। डी डिफरेंशिएशन का मतलब यही जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरली जो स्पेशलाइज्ड हुई थी सेल, यही स्पेशलिटीज की लॉस हो जाती है। मतलब अब सेल्स क्या हो जाती है, अपने फाइनल फेट को खो देती है और वापस किस स्टेज में चली जाती है, स्पेसिफिकेशन में चली जाती है। तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अपना जो डिफरेंशिएटेड सेल टाइप था, अपना जो फाइनल फेट का, उसका लॉस होना इज डी डिफरेंशिएशन। और रीडिफरेंशिएशन का मतलब फिर से अपने फेट को अचीव कर लेना। ये बात आप लोग तब बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम रीजनरेशन पढ़ाएंगे, एपिमॉर्फिक रीजनरेशन इन सेलामेंडर। वहां पर भी यही होता है, जो जहां पर वुंडिंग होती है वहां की सेल्स पहले डी डिफरेंशिएशन में जाती है, डी डिफरेंशिएशन में जाने के बाद वो सेल्स क्या होती है, प्रोलीफरेट करती है। जब वहां पर एक अनडिफरेंशिएटेड सेल मास बन जाता है तो वापस से वो सेल अपने क्या करती है, फिर से रीडिफरेंशिएट होती है और अपना जो भी फेट था उसको अचीव कर लेती है। मतलब अगर मसल सेल्स डी डिफरेंशिएशन में गई थी तो रीडिफरेंशिएट होकर वो मसल सेल्स ही बनाती हैं। क्यों? क्योंकि डी डिफरेंशिएशन के केस में डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेशन तो लॉस होता है लेकिन स्पेसिफिकेशन का लॉस नहीं होता है। तो डी डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया सुहास जी, डी डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, जेनेटिक्स आप लोगों को विनीत सर पढ़ाएंगे, ओके, हाँ ओके चलिए समझ में आ गया।
कैंसर पर भी लेक्चर दें। अच्छा सबा कैंसर पे लेक्चर आशीष सर देंगे, ठीक है, कैंसर का वो एक लेक्चर लेंगे, वो पढ़ाएंगे कैंसर के बारे में। तो डी डिफ्रेंशिएशन का, अच्छा कैंसर के बारे में आपने इतना पूछ ही लिया तो हम बता दें, जो कैंसरस सेल्स होती है ना वो भी डी डिफ्रेंशिएशन में जाती हैं। जब भी कोई सेल ट्यूमर सेल बनती है तो वो किस में जाती है, डी, क्योंकि जब भी सेल डी डिफ्रेंशिएशन में जाती है ना इसकी जो प्रोलीफरेशन की प्रॉपर्टी होती है वो रीगेन हो जाती है, मतलब सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर सकती है। इसीलिए जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, जो कैंसरस सेल्स होती हैं, वो भी किस में जाती हैं, डी डिफ्रेंशिएशन में जाती है। इसीलिए क्या होती रहती है, जितनी भी ट्यूमर सेल्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली प्रोलीफरेट करती रहती है, क्या होती रहती है। ओके चलिए अब ऐसा इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा मोहम्मद की कब से विनी सर जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है। ओके 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 गुड गुड, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए तो हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, रिमॉडलिंग पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग टिश्यूज जो फंक्शनल सेल्स होंगी वो डी डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या करेंगी, स्टेम इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी और उससे फिर क्या बन जाएगी, एडल्ट स्टेम सेल स्टेम एडल्ट इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स बन जाएंगी जो क्या करेंगी, रिडिफ्रेंशिएट होंगी। अब चौथा इफेक्ट जो होता है दैट इज बायोकेमिकल रीस्पेसिफिकेशन ऑफ लिवर। लिवर में कैसा होता है, रीस्पेसिफिकेशन होता है। कैसा रीस्पेसिफिकेशन होता है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस एज T3 इंड्यूसेस अ न्यू सेट ऑफ प्रोटीन्स इन द एग्जिस्टिंग सेल्स। वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक बायोकेमिकल चेंजेस अकर इन द लिवर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। द लिवर बिगिंस टू सिंथेसाइज द एंजाइम्स नेसेसरी टू क्रिएट यूरिया फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लार्वल स्टेज में, टैडपोल की स्टेज में क्या होता है, अमोनिया सिंथेसिस के जीन्स एक्सप्रेस होते हैं लार्वल स्टेज, क्योंकि टैडपोल स्टेज कैसी होती है, लार्वल स्टेज अमोनोटैलिक होती है, कैसी होती है, अमोनोटैलिक होती है, और अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर जो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं वो अमोनिया को सिंथेसाइज करने वाले जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन जैसे ही मेटामॉर्फोसिस की स्टेज आती है लार्वल टू एडल्ट, जब मेटामॉर्फोसिस शुरू होती है तो यहां पर जो जीन्स बनने लगते हैं वो यूरिया को सिंथेसाइज करने वाले, यूरिया साइकिल को चलाने वाले जीन्स सिंथेसाइज होने लगते हैं, उनका एक्सप्रेशन मिलने लगता है, और अमोनिया सिंथेसिस के लिए जो जीन्स होते हैं वो इनहिबिट कर दिए जाते हैं। मतलब T3 क्या करता है, अमोनिया सिंथेसिस के लिए जो जीन्स एक्सप्रेस हो रहे होते हैं उनको सप्रेस कर देता है, और एडल्ट के लिए यानी कि यूरिया साइकिल के जिन जीन्स की जरूरत होती है उनको क्या कराने लगता है, उनको एक्सप्रेस कराने लगता है। तो अगर हम यहां पर एक्सप्रेस होने वाले एंजाइम की बात करें तो क्या होगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, NH2CO2, यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक्सप्रेस हो रहे हैं जो इस साइकिल को रन कर रहे हैं, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस, ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसपेज, आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेस, आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइस, ये सारे एंजाइम्स जो होंगे इनका कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन आती जाएगी, वैसे वैसे जैसे जैसे T3 हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका भी एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा। देखिए इस ग्राफ में देखिए, जब ये सारे जो एंजाइम्स हैं दिख रहे हैं, ये कलर से आप लोग पहचान सकते हैं, तो ये सारे एंजाइम हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम है, जब T3 की लो कॉन्सेंट्रेशन है तो इन एंजाइम्स का एक्सप्रेशन भी कम है, और उस केस में क्या होगा, उस केस में जितने भी एडल्ट स्ट्रक्चर हैं उनका डेवलपमेंट होगा। क्या लिखा हुआ है, हिंड लिम इमर्ज फोर लिम इमर्ज, जब तक क्या होगा, जब तक T3 की कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी इनका एक्सप्रेशन भी कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप मेटामॉर्फोसिस में आगे क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता जाता है, T3 T4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, T3 T4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, इन एंजाइम्स का एक्सप्रेशन भी बढ़ता जाता है, और क्या होने लगता है, जितने भी लार्वल स्ट्रक्चर हैं वो क्या होने लगते हैं, वो रिजॉर्ब होने लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला कि लो कॉन्सेंट्रेशन जब होती है थायराइड हार्मोन की, जब T3 की लो कॉन्सेंट्रेशन होती है
केस में क्या होता है, उस केस में एडल्ट स्ट्रक्चर बनते हैं, एडल्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। लेकिन जब T3 की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है, जब T3 की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है, तब क्या होता है, तब लार्वल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रिजॉल्व होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं या डिस्ट्रक्ट होते हैं। बट इस ग्राफ से, इसी तरीके का एक ग्राफ और है, इसी तरीके का ये ग्राफ अगर हम देखें तो इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में ये ग्राफ किसके एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, रिलेटिव लेंथ ऑफ द टेल, वेल वाई एक्सिस पे दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीज कैथेप्सिन। तो अगर हम इनके बीच का ग्राफ चेक करें तो देखिए, जब तक हमें टेल कंप्लीटली मिल रही है पर लिम्ब का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, और इस केसेस में क्या हो रहा है, इस केसेस में ये प्रोटीएजेस जो टेल रिजॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, T3 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, थायराइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। जैसे जैसे थायराइड हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, टेल को रिजॉर्व करने वाले जो प्रोटीएजेस थे, या कहें तो लार्वल स्ट्रक्चर्स को खत्म करने वाले जो एंजाइम्स थे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती गई और क्या होने लगा, टेल का रिजॉर्प्शन हो गया। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे थायराइड हार्मोन की जब लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी तब क्या होगा, तब एडल्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, वाइल जब हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तब क्या होगा, लार्वल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होंगे। यूरिया फॉर्मेशन जीन्स होते हैं, यस, ऑर्निथिन साइकिल। मैंने ऑर्निथिन साइकिल को ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरी नहीं समझा, क्योंकि पहली बात तो इससे क्वेश्चन नहीं आते और ये सब लोग हर जगह पढ़ते रहते हैं, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी में भी ये सब पढ़ते रहते हैं और हम लोग काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो हाँ, तो बस आप लोगों को ग्राफ याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके के ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है वो चारों एंजाइम्स की बात करें, इनमें से कोई एक एंजाइम्स उठाए और उनके बीच में ग्राफ दे दें, या T3 के बीच में और उसके उसकी मेटामॉर्फोसिस की स्टेजेस के बीच में ग्राफ दे दें, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये ग्राफ है, इसमें टेल की लेंथ और टेल को रिजॉर्व करने वाला जो प्रोटीएज है, जैसे कैथेप्सिन, उसके बारे में बात करी गई है। तो इस तरीके के ग्राफ से याद रखिएगा, क्योंकि हाँ CSIR में अगर क्वेश्चन आते हैं तो ग्राफ से आते हैं। यस, रिग्रेशन ऑफ टेल, हाई कॉन्सेंट्रेशन से टेल का रिग्रेशन हो जाता है। ओके मोहम्मद, जेनेटिक्स के लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, विनीत से स्टार्ट करेंगे। चलो अब बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटामॉर्फोसिस में, एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस में हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले देखो, मेटामॉर्फिक चेंजेस ऑफ फ्रॉग डेवलपमेंट आर ब्रॉट अबाउट बाय द सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन थायरॉक्सिन T4 इनटू द ब्लड बाय द थायराइड ग्लैंड, द कन्वर्जन ऑफ T4 इनटू द मोर एक्टिव हार्मोन ट्राइएडोथायरोन इन द टारगेट टिश्यूज एंड द डिग्रेडेशन ऑफ T3 इन द टारगेट टिश्यूज। मतलब सबसे पहले क्या होगा, T4 कहां पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा, और वहां पर क्या होगा, T4 का कन्वर्जन, T4 जो होता है वो रिलेटिवली इनएक्टिव फॉर्म होती है, T4 किस में कन्वर्ट होगा, T3 में कन्वर्ट होगा, दैट इज एक्टिव फॉर्म इन टारगेट टिश्यूज। जहां पर भी मेटामॉर्फोसिस होनी है वहां पर ये T3 में कन्वर्ट होगा, और T3 फिर इन्हीं टारगेट टिश्यूज में जब मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कंप्लीट एडल्ट स्ट्रक्चर बन जाएंगे और कंप्लीट लार्वल स्ट्रक्चर रिग्रेस हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होने लगेगा, इन T3 का डिग्रेडेशन करा दिया जाएगा और इस T3 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, T2 में। देखिए पढ़िए, ये इस तरीके से T4 यानी कि थायरॉक्सिन रिलेटिवली इनएक्टिव फॉर्म होती है। थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं थायरॉक्सिन का, यहां पर टायरोसिन, या बेटर टू से आयोडिनेटेड टायरोसिन। हम जब थायराइड ग्लैंड पढ़ाएंगे एनिमल फिजियोलॉजी में तब वहां पर यह चीज डिस्कस करेंगे, आयोडिनेटेड टायरोसिन, दो आयोडिनेटेड टायरोसिन मिलकर T4 का फॉर्मेशन करते हैं। किस तरीके से, अगर आप सभी लोगों को टायरोसिन का स्ट्रक्चर याद है
अगर टायरोसिन का स्ट्रक्चर याद है तो इस तरीके से होता है टायरोसिन का स्ट्रक्चर, देखिए ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस टायरोसिन पे थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर क्या लग जाता है, आयोडीन लग जाता है, एक स्पेशल एंजाइम के थ्रू यहां पर क्या लग जाता है, आयोडीन लग जाता है थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर। और इसी तरीके से एक आयोडीन, एक टायरोसिन, आयोडीनेटेड टायरोसिन आकर और इसके साथ कंबाइन होता है। जब दो आयोडीनेटेड टायरोसिन आपस में कंबाइन होते हैं तो T4 का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ निकल क्या जाता है, इसके साथ एलानिन निकल जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें दो रिंग दिख रही है टायरोसिन की, एक ओ है दूसरे के साथ OH है, मतलब एक एच निकल गया और दूसरे का पूरी बैकबोन निकल गई, तो एलानिन निकल जाता है, एलानिन निकल जाता है और मिलता क्या है हमको, T4 थायरोक्सिन मिलता है। क्या मिलता है, थायरोक्सिन मिलता है। तो हम लोग इसे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, किस तरीके इसका आयोडिनेशन होता है, किस तरीके से टायरोसिन पे आयोडिनेशन लगता है और किस तरीके से T3 और T4 बनते हैं, ये सब लोग थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे। तो थायराइड थायरोक्सिन कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है टाइप 2 डीआयोडिनेज की प्रेजेंस में। एक रिंग से देखिए एक आयोडीन कम हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, T3 में, दैट इज एक्टिव फॉर्म। और यही फंक्शन करती है किसके लिए, मेटामॉर्फोसिस के लिए। यही क्या टारगेट टिश्यूज में रिसेप्टर से, थायरोक्सिन रिसेप्टर से बाइंड करती है, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से, और क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो जाती है तब उसके बाद कौन आता है, टाइप 3 डीआयोडिनेज। और ये टाइप 3 डीआयोडिनेज T3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, T2 में कन्वर्ट कर देता है, और T2 इज ऑल्सो इनएक्टिव फॉर्म, T2 इज ऑल्सो इनएक्टिव फॉर्म। तो ये कैसा हो गया, टेट्राआयोडोटायरोसिन बोल सकते हैं, ये ट्राईआयोडोथायरोनिन, और ये कैसी हो गई, डाईआयोडोथायरोनिन। तो ये T2 कैसी हो जाती है, T2 इनएक्टिव फॉर्म हो जाती है। तो जहां पर भी सबसे पहले T4 जाएगा और T4 टाइप 2 डीआयोडिनेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा, T3 में कन्वर्ट होगा, और T3 टाइप 3 डीआयोडिनेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा, T2 में कन्वर्ट होगा, T2 इज इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप 2 डीआयोडिनेज रिमूव्स एन आयोडीन एटम फ्रॉम द आउटर रिंग ऑफ द प्रिकर्सर हार्मोन टू कन्वर्ट इट इनटू द मोर एक्टिव हार्मोन T3। आउटर रिंग से आयोडीन रिमूव होना चाहिए तब एक्टिव T3 का फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा हमेशा जब भी आप ये स्ट्रक्चर देखें तो आउटर रिंग से आयोडीन का रिमूवल होना चाहिए तब एक्टिव T3 बनेगा। लेकिन अगर इनर रिंग से आयोडीन का रिमूवल हो गया तो उस केस में क्या बनता है, उस केस में रिवर्स T3 बन जाता है। क्या बन जाता है, रिवर्स T3, RT3 बोलते हैं, और दैट इज ऑल्सो इनएक्टिव फॉर्म। तो हमेशा आउटर रिंग से आयोडीन का रिमूवल होता है, इनर रिंग से अगर आयोडीन का रिमूवल हो गया तो ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो हमेशा कैसा होगा, हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट, टाइप 3 डीआयोडिनेज रिमूव्स एन आयोडीन एटम फ्रॉम द इनर रिंग ऑफ T3 टू कन्वर्ट इट इनटू एन इनएक्टिव कंपाउंड दैट इज T2, एंड T2 इज फर्दर मेटाबोलाइज्ड इनटू द टायरोसिन। तो इस तरीके से क्या होता है, अब देखिए ये वाला पॉइंट पढ़िए, टैडपोल्स दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू ओवर एक्सप्रेशन टाइप 3 डीआयोडिनेज, और जिसमें भी टाइप 3 डीआयोडिनेज का ओवर एक्सप्रेशन मिलने लगेगा, गेन ऑफ फंक्शन मिलने लगेगा टाइप 3 डीआयोडिनेज का, उस केस में क्या होगा, इन देयर टारगेट टिश्यूज नेवर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कभी भी क्या होगा, जब एक्टिव फॉर्म ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि जो एनिमल रहेगा वो किस कंडीशन में ही एग्जिस्ट करता रहेगा, हमेशा लार्वल कंडीशन में एग्जिस्ट करता रहेगा। देयरफॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन्वॉल्व्स टिश्यू स्पेसिफिक रेगुलेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द हार्मोन दैट बाइंड्स मोस्ट इफेक्टिवली टू इट्स रिसेप्टर। तो याद रखिएगा, अगर टाइप 3 डीआयोडिनेज का गेन ऑफ फंक्शन होगा, ओवर एक्सप्रेशन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, एनिमल में कभी भी मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं होगी और एनिमल एडल्ट स्टेज में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर टाइप 2 डीआयोडिनेज का ओवर एक्सप्रेशन हो गया तो क्या होगा, टाइप 2 डीआयोडिनेज का अगर ओवर एक्सप्रेशन हो गया तो
जो मेटामॉर्फोसिस का रेट होगा वो फास्ट हो जाएगा, रैपिडली हो जाएगी, मेटामॉर्फोसिस रैपिडली कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स की बात करते हैं। तो दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, टीआर अल्फा एंड टीआर बीटा। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? टीआर अल्फा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑल टिश्यूज एंड इज प्रेजेंट इवन बिफोर द ऑर्गेनिज्म हैज द थायराइड ग्लैंड, व्हाइल टीआर बीटा इज इटसेल्फ डायरेक्टली एक्टिवेट बाय द थायराइड हार्मोन्स। मतलब टीआर बीटा तब तक एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक उनसे थायराइड हार्मोन की बाइंडिंग नहीं होगी। अब थायराइड रिसेप्टर्स की, कि थायराइड रिसेप्टर्स कभी भी अकेले फंक्शन नहीं करते हैं, हमेशा ये डाइमर ऑफ फॉर्मेशन करते हैं विद रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स के साथ। थायराइड रिसेप्टर ऑलवेज फॉर्म्स डाइमर्स विद रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर, और जब इनसे रेटिनोइड एसिड रिसेप्टर्स का के साथ डाइमर ये बना लेते हैं तभी ये अपने लिगेंड से बाइंड कर पाते हैं, अदरवाइज ये अपने लिगेंड से बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा थायराइड हार्मोन यानी T3 से हमेशा किससे बाइंड करता है? TRRXR डाइमर से बाइंड करता है हमेशा थायराइड हार्मोन, और तब क्या होता है? तब मेटामॉर्फोसिस रेगुलेट होती है। तो थायराइड रिसेप्टर्स के दो फंक्शन होते हैं, पहला जब तक ये रिसेप्टर अनलिगेंडेड रहेंगे तब तक मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर जिन जीन्स का एक्सप्रेशन होना है उनका एक्सप्रेशन सप्रेस करके रखेंगे। दे रिप्रेस जीन एक्सप्रेशन प्रिवेंटिंग अर्ली मेटामॉर्फोसिस, मतलब जब तक मेटामॉर्फोसिस की स्टेज आ नहीं जाती है तब तक ये क्या करेंगे, उन जीन को रिप्रेस करके रखेंगे। फिर जैसे ही अपने लिगेंड से बाइंड करेंगे, जैसे ही इनसे थायराइड हार्मोन्स की बाइंडिंग होगी, ये उन्हीं जीन्स जिनको अभी तक ये रिप्रेस कर रहे थे अनलिगेंडेड कंडीशन में, अब क्या करने लगेंगे, उन्हीं जीन्स का एक्टिवेशन करवाएंगे। तो जैसे ही देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये स्टेजेस है मेटामॉर्फोसिस की, प्री मेटामॉर्फोसिस, प्रो मेटामॉर्फोसिस एंड मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स। मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स, तो प्री मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन में देखिए क्या है, जब T3 T4 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो T3 T4 की कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से ये किससे बाइंड नहीं कर पा रहे, अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पा रहे, और अनलिगेंडेड रिसेप्टर्स क्या करते हैं, अनलिगेंडेड रिसेप्टर्स रिप्रेशन का काम करते हैं, यानी कि अर्ली मेटामॉर्फोसिस को होने से रोकते हैं। तो ये उन्हीं जीन्स का रिप्रेशन कराएंगे जिन्हें जब लिगेंडेड कंडीशन में क्या होगा, अब जैसे ही क्या हुआ, अर्ली मेटामॉर्फोसिस हुई, तो मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन में जैसे ही T3 T4 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई और वो किससे जाकर बाइंड करी, अपने रिसेप्टर से जाकर बाइंड करी, तो वैसे ही क्या होने लगेगा, मेटामॉर्फिक जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अभी भी लो है इनकी, और लो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, एडल्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, अभी एडल्ट स्ट्रक्चर बनेंगे। मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स के टाइम पर जब हाई कॉन्सेंट्रेशन T3 T4 की आ जाएगी, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, देखिए नंबर रिसेप्टर्स डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट है, थायराइड रिसेप्टर एंड RXR डाइमर, बहुत सारे रिसेप्टर से जब हार्मोन की बाइंडिंग होने लगेगी तो जीन्स भी का भी एक्टिवेशन हाई हो जाएगा, जब थायराइड हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगी तो जीन्स का एक्टिवेशन भी हाई हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होने लगेगी, लार्वल स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो क्या होने लगेंगे, रिजॉल्व्ड होने लगेंगे, लार्वल स्ट्रक्चर्स रिजॉल्व्ड होने लगेंगे। यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइलेंट शिफ्ट, मेटामॉर्फोसिस का रेट फास्टर हो जाता है जब टाइप 2 डायडनेस का गेन ऑफ फंक्शन होता है। यस ओके, आकांक्षा गौतम, हरिओम सर, हरिओम सर क्लास लेंगे आकांक्षा, अभी उनका थोड़ा सा उनको कुछ जरूरी काम है। हाँ दीपाली बिल्कुल, मेरी क्लासेस 3 बजे से होती हैं इसी टाइम पर और यहीं पर। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो अप्रॉक्स खत्म होने वाली है। ओके थैंक यू के सिंह, थैंक यू। तो हाँ बिल्कुल दीपाली तिवारी, मेरी क्लासेस 3 बजे से यहाँ पर होती हैं यूट्यूब पर, और डेवलपमेंटल के बाद फिर हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए, क्योंकि अब डेवलपमेंटल में रीजनरेशन बचा है, सपोज मेटामॉर्फोसिस के बाद
डन। तो ये पार्ट सभी को क्लियर हो गया, ये पार्ट सभी को क्लियर हो गया। अब ये वाला ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ बस इसी से रिलेटेड, अगर वो फिगर क्लियर है तो ये ग्राफ भी क्लियर है। तो यहां पर मेटामॉर्फोसिस के टाइम में ये जो कलर्ड, ये जो ब्लू येलो ये सब दिख रहे हैं, ये क्या है? T3 कंसंट्रेशन, TR अल्फा का कंसंट्रेशन, TR बीटा का एक्सप्रेशन और T3 रिस्पॉन्स mRNA। तो इन सब का एक्सप्रेशन कहां पर हाई मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर? किस टाइम पर? ना एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर, ना लार्ज। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर हमको T3 रिस्पॉन्स mRNA और किसका कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है? TR अल्फा का, क्योंकि TR अल्फा हमने पढ़ा कि TR अल्फा तब से प्रेजेंट होते हैं वो TR अल्फा रिसेप्टर जब थायराइड ग्लैंड बनी भी नहीं होती है। तो इन दोनों का एक्सप्रेशन हमको मिलेगा, लेकिन मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर सबका एक्सप्रेशन हाई मिलेगा। और ये सब क्या करेंगे? तभी क्या होगा? तभी जीन्स का एक्टिवेशन होगा। जब तक मेटामॉर्फोसिस की स्टेज नहीं आएगी तब तक क्या बाइंड है? को रिप्रेशर्स बाइंड है। लेकिन जैसे ही मेटामॉर्फोसिस की स्टेज आई, इनसे क्या बाइंड हो गए? को एक्टिवेटर्स बाइंड हो गए और जीन का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया, जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो एम्फीबिया के केस में थायराइड हॉर्मोन्स जो होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस को इनिशिएट करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए नहीं हुए हैं तो क्वेश्चंस, लेकिन आए नहीं है दैट डजंट मीन आएंगे भी नहीं, आएंगे क्वेश्चन। तो इसलिए आप इस टॉपिक को स्किप नहीं करिए, अच्छे से पढ़िएगा। कल हम लोग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस को डिस्कस करेंगे इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। ओके हाँ, एनिमल फिजियोलॉजी करेंगे मैम, बिल्कुल 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 स्टार्ट करेंगे। यस, डेवलपमेंटल बायोलॉजी खत्म होने के बाद एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ओके, मैमेलियन डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। देखिए आप लोग अभी एंड तो नहीं करा, तो देखिए आप लोगों को जो भी अपने कमेंट में आप लोग बता दिया करिए कि लेक्चर कैसा लगा, या फिर कोई भी टॉपिक, या फिर कुछ भी ऐसा आपको अलग पढ़ना है, कोई भी टॉपिक जो मिस हो रहा हो तो वो आप लोग अपने कमेंट में बता दिया करिए, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइज, थैंक यू, टेक केयर।